जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, बिजली बिल में बढ़ोतरी अभी और होनी बाकी है। बिल बढ़ाने वाले कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और अब राजपत्र में प्रकाशन होते ही 12.36 रुपए बिजली बिल सीधे बढ़ेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली और महंगी होने जा रही है, ऐसा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने की वजह से होगा। सरकार के इस कानून की वजह से ऊर्जा शुल्क बढ़ाने की व्यवस्था करी जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए है। अब इसे छत्तीसगढ़ के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके राजपत्र में छपते ही घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में कम से कम 12.36 रुपए की बढ़ोतरी सीधे करी जाएगी। राज्यपाल ने जिस विधेयक पर बीते दिन हस्ताक्षर किए उसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने मॉनसून सत्र के दौरान पारित किया था। इस कानून के जरिए ऊर्जा शुल्क में 3% से 7% की वृद्धि करी गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। वहीं सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए यह 15% से बढ़ाकर 21% करने की व्यवस्था करी गई है। आरक्षण पर अब एक और झटका छत्तीसगढ़ की सरकार को लगा है। बस्तर और सरगुजा संभाग साथ ही साथ बिलासपुर के 2 जिलों की सरकारी नौकरियों में 100% स्थानीय आरक्षण अब खत्म करा जा चुका है। आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को अदालत ने एक और झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के गोरल्या पिंडरा मरवाही और कोरबा जिले की सरकारी नौकरियों में शामिल स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है। यानी इन जिलों से यह व्यवस्था खत्म हो गई है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों साथ ही साथ जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के आदेश को पारित करने की पालन करने की हिदायत दी है। राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित क्षेत्रों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती को केवल स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया था। बाद में इसमें बिलासपुर संभाग के गोरल्या पिंडरा मरवाही और कोरबा जिलों को भी इसमें जोड़ लिया गया। प्रदेश में अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता को अभी फिलहाल महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई को लेकर सब्जी मंडी में यहां पर जो बात करें तो सब्जी मंडियों के जो भी कीमतें हैं वो यहां पर लगातार आम आदमी के बजट से पार होती नजर आ रही है। बात करें तो एक महीने में आम जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलेगी। आम जनता को राहत के लिए नई फसल के उत्पादन का इंतजार करना पड़ेगा। बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है क्योंकि काफी संख्या में फसलें बर्बाद हो गई है। वही आम जनता का कहना है कि इन्हें इस महंगाई से काफी परेशानियां हो रही है। उनके घर का बजट बिगड़ चुका है। वे चाहते हैं कि त्योहारी सीजन में उन्हें महंगाई की मार ना झेलनी पड़े, सरकार उन्हें थोड़ी बहुत राहत अवश्य उपलब्ध कराए। छत्तीसगढ़ में अब एनएसओ का सर्विस शुरू होने वाला है। ठेले खोमचे वालों साथ ही साथ राशन दुकानों निजी स्कूलों के आय और व्यय के आंकड़े जुटाने की कोशिश करी जाएगी। जीडीपी में योगदान का भी इस पर पता चल सकेगा। छत्तीसगढ़ में आज से अगले साल 31 सितंबर तक छोटे दुकानदारों जैसे राशन, सैलून, चाय और नाश्ते साथ ही साथ ठेले वाले, रिक्शा वाले, ऑटो चलाने वाले से लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी, आटे और दाल के ट्रेडर्स के साथ साथ ब्रोकर, निजी स्कूल, ट्यूटर, ट्रस्ट और सोसाइटी की आय जानी जाएगी। प्रदेश के 228 गांवों और रायपुर समेत 165 शहरों में सर्वे टीम पहुंचने वाली है। उनसे धंधे के लगाई गई रकम और होने वाली आय का अंतर पता किया जाएगा। इससे यह सामने आएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में एक साल में छत्तीसगढ़ में लोगों ने कितना योगदान दिया है।
कॉलेज के छात्र 25 अक्टूबर तक अब अपनी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो शिक्षा सत्र 2022-23 में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, ITI से लेकर के नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, डाइट आदि संस्थानों में नियमित अध्ययनरत जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, इनसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 25 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल बात करें तो संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में प्रविद्यार्थियों के लिए प्रवेश विलंब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के फलस्वरूप तिथि में इस प्रकार की वृद्धि करी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उनका पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल postmatricscholarship.cg.nic.in पर किया जाना है। इंडियन यूथ कांग्रेस यानी कि यहां पर चुनाव में आकाश शर्मा को 71% वोट मिला है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर मोनू अवस्थी को 4.25 लाख वोटों से हराया। अंतिम फैसला अब इंटरव्यू के बाद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से चल रही युवा कांग्रेस की चुनाव की प्रक्रिया अब जाकर पूरी हो चुकी है। इस चुनाव में आकाश शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आशीष मोनू अवस्थी को 4.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। अध्यक्ष पद के एक और उम्मीदवार मानस सुमत पांडे को केवल 6,673 वोट मिले हैं। हार जीत की घोषणा युवा कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति एक इंटरव्यू के बाद करेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने बताया कि युवा कांग्रेस के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 17 लाख से अधिक सदस्यता थी, इनमें से 7,16,748 को ही मतदान के रूप में वैध माना गया। जो परिणाम आए हैं उनमें 90 विधानसभा अध्यक्ष, उनकी कमेटी, तकरीबन 41 जिला अध्यक्ष, उनकी कमेटी और 44 से ज्यादा प्रदेश महासचिव चुनकर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों को डेलीगेट घोषित किया गया था। अध्यक्ष के चुनाव में आकाश शर्मा को 5,14,374 वोट मिले हैं। रायपुर के मैदान में सचिन के साथ पीएम बघेल यहां पर नजर आए। मैदान में गूंजा आगे कक्का, नमन के साथ शतक ने बढ़ाया मैच का काफी ज्यादा रोमांच। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच को देखने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टेडियम पहुंचे तो दर्शक छत्तीसगढ़ी में बोले आगे कक्का, यानी कि आ गए कक्का। दरअसल सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकारा, वो ग्राउंड में उतरे लोगों को हाथ हिलाकर हाय करते नजर आए। मैच इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच था। इसके बाद मैच में सचिन के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखे, पूरी टीम से भूपेश बघेल मिले, सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। श्रीलंका लीजेंड्स के खिलाड़ियों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। शुक्रवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज लीजेंड्स को 14 रनों से हराकर इंडिया लीजेंड्स फाइनल पहुंची है। कुम्हारी में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर कांड को लेकर के अब खुलासा हो गया है। लड़कियों को मोहनी दवाई से किया करते थे कंट्रोल। रात भर यहां पर जाम के साथ साथ 30 से 40 किलो चखना का कारोबार लगता था। दरअसल भिलाई के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कपसदा गांव में मस्ती की एक बड़ी संचालित थी। यहां पर पहुंचने वाले लोगों की हर रात रंगीन होती थी। जाम छलकते थे, जुए के दाव लगते थे और मस्ती के लिए लड़कियां भी बुलाई जाती थी। यहां लगने वाली भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही रात में 30 से 40 किलो मछली और मुर्गा का चखना खत्म हो जाता था। दरअसल बात कहें तो यहां पर यदि कुम्हारी पुलिस ध्यान देती तो ये सब घंटी, इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल घटना नहीं हो पाती। कपसदा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने जब आरोपियों के यहां से जब माल और कैश को मीडिया के सामने रखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आरोपी मृतक भोलाराम यादव के घर से 7,92,400 रुपए कैश और बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और महंगे कपड़े लूटने पहुंचे थे। हसदेव के जंगल में कटाई पर अब आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। रायपुर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बोले अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार सरकार जंगल काट रही है, जमकर नारेबाजी भी करी गई। दरअसल बात कहें तो यहां पर बीते दिन आम आदमी पार्टी ने हसदेव के जंगल में चल रहे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रदर्शन किया है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों को काट रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यकर्ता
नेताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इतने विरोध के बावजूद भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता को लूट रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में रायपुर का खराब प्रदर्शन इस बार निकलकर सामने आ रहा है। टॉप 10 में भी रायपुर अपनी जगह नहीं बना पाई है। दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण में राजधानी रायपुर का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहद खराब रहा। जारी हुए सर्वेक्षण लिस्ट में रायपुर टॉप 10 की सूची से भी बाहर हो चुका है। पिछली बार रायपुर छठे स्थान पर रहा था, वहीं इस बार 5 पायदान फिसलकर रायपुर अब 11वें स्थान पर पहुंच चुका है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में रायपुर 11वें स्थान पर है। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की लिस्ट में इस साल भी मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार छठी बार अपनी बाजी मारी है। इंदौर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। इसके बाद सूरत दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो ग्राम यात्रा की शुरुआत होगी। 23 मार्च 2023 तक तकरीबन 150 दिनों तक इस प्रकार की मुहिम चलाई जाएगी। राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक कार्यकर्ता पहुंचाने वाले हैं। दरअसल बात कहें तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो ग्राम यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होकर 23 मार्च 2023 तक तकरीबन 150 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस नेती चंद्रप्रभा सुधाकर ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी और पंचायती राज संगठन संयुक्त रूप से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी बालोद की अध्यक्षता चंद्रप्रभा सुधाकर ने बताया कि यहां पर भारत जोड़ो ग्राम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बूथ से लेकर के सेक्टर स्तर पर बैठक करी जा रही है। हर यात्रा हर गांव के हर बूथ तक पहुंचेगी। 2 अक्टूबर को बात करें तो यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर, इससे पहले हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि आज का ऑडियो क्वालिटी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। दरअसल आज की अंतिम बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस की गुटबाजी के पहले सबसे बड़ा रावण अब नहीं जलेगा। दरअसल बिलासपुर में निगम ने आर्थिक संकट का बहाना बना दिया है, अपने ही विधायक को नहीं बुलाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में इस बार दशहरा उत्सव और रावण दहन का कार्यक्रम कांग्रेस की राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है। नगर निगम ने आर्थिक संकट का बहाना बनाते हुए पुलिस ग्राउंड में रावण दहन करने से इनकार कर दिया है। यहां का आयोजन बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा आयोजन होता है। रावण का पुतला दहन भी यहां पर सबसे बड़ा माना जाता है। नगर निगम की ओर से मनाए जाने वाला दशहरा उत्सव और रावण दहन का कार्यक्रम अब कांग्रेस की राजनीति पर हावी हो चुकी है। दरअसल बात कहें तो जब शहर सरकार की कमान कांग्रेस के हाथ में थी, तब मेयर को दरकिनार कर बीजेपी के पूर्व विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री की अगुवाई में दशहरा उत्सव मनाया गया था। इसी को लेकर के लगातार विवाद होता नजर आ रहा है। खैर दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस इस तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।